नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा और आप सभी लोगों का एजुकेशन आईएएस एकेडमी में जो है स्वागत है। इकोनॉमिक्स के भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम लोग इसके पहले दो लेक्चर ले चुके हैं और उसी से जुड़ी हुई कुछ शेष अवधारणाओं का आज के इस लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार एवं उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य अवधारणाएं जो कि इस चैप्टर को जो है पूरा करेंगी। जो है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार को देखेंगे। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार एक हो गया विनिमय शब्द यहां पर आया, दूसरा है जो बाजार। बाजार से तात्पर्य एक तो अवधारणा ही स्पष्ट होती है कि क्रय विक्रय जहां पर जो है किसी चीज को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। विनिमय का मतलब जो है बदलना होता है, एक्सचेंज होता है। और चूंकि मुद्रा शब्द का प्रयोग आ रहा है अर्थात यह एक ऐसा बाजार होगा जहां पर मुद्रा का जो है एक्सचेंज या क्रय विक्रय किया जाएगा, और वो कैसी मुद्रा होगी? विदेशी मुद्रा। तो तात्पर्य यह है कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर जो है विदेशी मुद्राओं का जो है क्रय विक्रय किया जाता है। यह कोई भौतिक बाजार वस्तुओं के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु यह प्रक्रिया आधारित एक जो व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे देश की जो मुद्राओं की मांग और पूर्ति की जाती है। यह 24 घंटे चलने वाली एक जो है प्रक्रिया आधारित जो है व्यवस्था होती है। और यहाँ पर जो है विभिन्न देशों की मुद्राओं के मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। तो इस तरीके से जो है विदेशी मुद्रा बाजार जो है वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं और एक देश में वहां की आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो भी सेवाएं और वस्तुएं बचती हैं जब उसका खरीद और विक्री तथा निर्यात होता है तो उसके बदले भुगतान करना पड़ता है, और उस भुगतान के लिए हमें जो है विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जिसके लिए दुनिया के अलग अलग देशों की मुद्रा के विनिमय की एक जो व्यवस्था प्रक्रिया आधारित बनाई गई है जिसे विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार कहा जाता है। और हम लोग समाचार और न्यूज चैनल में अक्सर ये सुनते हैं कि अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारत की जो मुद्रा है रुपया या उसी तुलना में जो है डॉलर के इतने रुपए मजबूत हुआ, इतने रुपए कमजोर हुआ, इस तरीके की बातें आती हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसी विनिमय मुद्रा विनिमय बाजार व्यवस्था से जो है जुड़ी हुई अवधारणा होती है जो कि हम लोग देखते हैं। सामान्यतः इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो डॉलर को जो है एक ऐसी मुद्रा के रूप में जो है स्वीकार किया गया है जिसे ज्यादातर देशों में जो है स्वीकृति दी जाती है या उसके माध्यम से जो भुगतान किया जाता है। तो विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु और सेवा का जब खरीद फरोख्त करता है उसकी भुगतान के लिए मुद्रा का एक्सचेंज किया जाता है या क्रय विक्रय किया जाता है। यह प्रक्रिया आधारित जो है एक व्यवस्था होती है उसे विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार कहा जाता है। चूंकि भुगतान संतुलन का हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो उसी के साथ ये जुड़ी हुई जो है व्यवस्था है, क्योंकि भुगतान संतुलन में हम जब निर्यात और आयात करते हैं तो वहां पर अकाउंटिंग को निर्यात जब किया जाता है तो प्राप्तियां होती हैं और जब आयात किया जाता है तो उसके बदले भुगतान किया जाता है। तो इसी के जो है लेखांकन के संतुलन पर भुगतान संतुलन आधारित होता है और उसी से जुड़ी हुई यह एक व्यवस्था है जिसे विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार कहा जाता है। अब विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार देश के जो है सरकार और केंद्रीय जो है बैंक या एजेंसी की जो है निर्धारित जो है व्यवस्था के अनुसार जो संचालित होता है, उसके द्वारा नियम कुछ बनाए जाते हैं जिनके नियमों दरों के आधार पर इस तरीके की व्यवस्थाएं जो संचालित होती हैं। लेकिन जब इस व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तब वहां पर एक और बाजार निकल करके सामने आता है, हवाला बाजार। हवाला बाजार एक छद्म बाजार है जहां पर विदेशी मुद्रा को अनधिकृत तरीके से, अनऑथराइज्ड तरीके से जो है देश की मुद्रा में जो है बदल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार एक स्पष्ट व्यवस्था होती है उसके तहत जो है विनिमय किया जाता है, वहीं पर हवाला बाजार इस तरीके के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए छिपे हुए तो है तरीके से, जो कि इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी देश के सामने नहीं आ पाती हैं, और उस तरीके से जब विदेशी मुद्रा को देश की जो है मुद्रा में जो है परिवर्तित किया जाता है
तब वह गतिविधि जो है हवाला कारोबार कहलाता है, और ये जिस प्रक्रिया और व्यवस्था में किया जाता है वह हवाला बाजार होता है। तो इसमें एक शब्द जो है हवाला कारोबार भी आ जाता है, हवाला कारोबार। और यहां पर एक और शब्द हो जाएगा, जो व्यक्ति इस कार्य में जो है संलिप्त होता है वो हवाला कारोबारी कहलाता है। क्या कहलाता है? हवाला कारोबारी जो है कहलाता है। तो एक हवाला बाजार यानी कि जिस संक्षिप्त रास्ते को निकालते हैं, जिन प्रक्रियाओं और बातचीत के माध्यम से ये गतिविधियां जो की जाती है वो हवाला बाजार कहलाती है, और ये समस्त गतिविधि जो है हवाला कारोबार कहलाता है, और उस व्यक्ति जो कि इसमें संलिप्त होता है वो हवाला कारोबारी कहलाता है। और ये सामान्यतः इसलिए किया जाता है ताकि जो है उस विनिमय के दरों का जो अंतर होता है वही इनको लाभ के रूप में जो है प्राप्त होता है। तो एक तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो इसका अंतर है वो सरकार के पास नहीं पहुंचता है, और दूसरी बात यह है कि इस तरीके की जो एक्टिविटी में इनकम या किसी व्यक्ति को प्राप्तियां होती हैं वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाती हैं, इसलिए इससे जो है ब्लैक मनी के बढ़ने की जो संभावना होती है, क्योंकि वह इनकम जो है वह किसी पैन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं होता है, इसलिए ऐसे जो है प्राप्तियों पर किसी भी प्रकार का कर आरोपण का भी नियम नहीं लग पाता है, यानी इनकम टैक्स के दायरे से भी वह बाहर हो जाता है। तो हवाला बाजार जो है वो देश में जो है सरकार को जो टैक्स प्राप्त हो सकता है वह भी जो है प्राप्त नहीं हो सकता है, जिससे देश का विकास भी प्रभावित होता है। और विभिन्न प्रकार के जो है शोध में इस बात को स्पष्ट किया जाता रहा है कि देश में बहुत बड़ी जो है मात्रा में जो है धनराशि वो हवाला कारोबार के माध्यम से होती है, जिससे सरकार को टैक्सेशन का जो है नुकसान भी होता है। तो विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार से जो है बच करके जो विदेशी मुद्रा का विनिमय जो है देश की मुद्रा में किया जाता है वो हवाला कारोबार, हवाला बाजार और हवाला कारोबारी के जो है माध्यम से होता है। इसके साथ में जो है एक और मार्केट आता है, काला बाजार। जिसे ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केट कहा जाता है, क्योंकि कुछ मुद्रा से जुड़ी हुई बाजार संबंधी उदाहरणों को हम लोग इसमें देख रहे हैं। ब्लैक मार्केट या काला बाजार जो है एक भूमिगत या स्थानांतरण जो है अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है, जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का खरीद फरोख्त बिक्री जो है वह व्यापार और करारोपण के नियमों का उल्लंघन करके जो है किया जाता है, ताकि उसके जो है जटिलताओं और कर अदायगी के जो है दायरे से अपने आप को बाहर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो ये व्यवस्था होती है ब्लैक मार्केट या काला बाजारी जो है इसको कहा जाता है, इसे जो है काला बाजारी जो है कहा जाता है। और इसके जो माध्यम से जो आय प्राप्त होती है वो ब्लैक मनी हो जाती है। अब ब्लैक मनी को हम लोग ये देखेंगे कि एक ऐसा धन होता है जो कर से जो है बच करके जो है निकला होता है, कर अपवंचित जो है, कर जो है वंचित जो आय होती है वही जो है वो ब्लैक मनी होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी जो है तरीके से जो कोई इनकम प्राप्त होती है और वह व्यक्ति जो है उस इनकम को अपने जो है फाइलिंग में नहीं दिखाता है, इनकम टैक्स के दायरे से बचा लेता है, तो वह आय जो होती है वो ब्लैक मनी कहलाती है। और चूंकि जो गतिविधियां ब्लैक मार्केट में की जा रही हैं वह करारोपण और व्यापार के नियमों का उल्लंघन करके होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आय प्राप्त होता है वो ब्लैक मनी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होती है या रजिस्टर्ड पैन के अगेंस्ट किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यक्ति की आय नहीं बन पाती है या उसे जो है नहीं दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो वो आय जो है ब्लैक मनी हो जाती है और ये ब्लैक मार्केट से जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पर करारोपण के नियम का जो उल्लंघन होता है। तो जैसे जो हम लोगों ने विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार और हवाला बाजार पढ़ा, ये मुद्रा के संदर्भ में होता है, और ये जो काला बाजार है ये वस्तुओं सेवाओं की बिक्री के संदर्भ में होता है, जिसके लिए जो है ये ब्लैक मनी कि जो है ब्लैक मनी जो है प्राप्त होती है, और इसमें टैक्स की चोरी होती है, इसमें टैक्स जो है सरकार को जो है नहीं मिल पाता है, और इस तरीके से जो है वो ब्लैक मनी हो जाती है। अब ब्लैक मनी के लिए जो एक व्यवस्था लोगों ने संक्षिप्त रूप में निकाल रखा है कि जब ब्लैक मनी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो
तो उसे जो है वो किस तरीके से व्हाइट मनी में करता है, ये व्यवस्था मनी लॉन्ड्रिंग जो है कहलाती है। इसे धन शोधन भी कहा जाता है, हिंदी में जो है धन शोधन, अंग्रेजी में इसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। लॉन्ड्री जो है कपड़े धुलाई का स्थान होता है, और लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है उसका शोधन करना, उसको सफाई करना। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब धन यानी कि रुपए करेंसी को तो धुलाई की नहीं जाएगी, तो वह उसके नेचर पर निर्भर करता है कि वह धन कहां से और किस तरीके से प्राप्त हुआ है। जब व्यक्ति कोई ऐसी आय प्राप्त करता है जिसे वह अपनी इनकम में जो है सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं दिखाता है, तो वो ब्लैक मनी हो जाता है, और उसको किसी अन्य तरीके से जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की व्यवस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। और इससे निपटने के लिए जो है 2002 ईस्वी में जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक्ट बनाया गया है, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 बनाया गया है, जिसे 2005 ईस्वी से जो है लागू किया जा चुका है। इसमें 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में और 2012 ईस्वी में अब तक 3 बार संशोधन भी किया जा चुका है। यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके अपनाए जाते हैं, और सरकार इस पर रोक लगाने के लिए 2002 ईस्वी में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पारित किया है, ताकि ताकि जो है इस तरीके से ब्लैक मनी को जो व्हाइट मनी में बदलने की प्रक्रिया को रोका जा सके, और उस प्राप्ति को जो है इनकम टैक्स के दायरे में ला करके जो है सरकार को अधिक से अधिक जो है टैक्स प्राप्त कराया जा सके। तो ये व्यवस्था होती है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत जो है जो व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, हवाला बाजार, हवाला कारोबार, हवाला कारोबारी तथा ब्लैक मार्केट और धन शोधन अधिनियम। यहाँ पर जो है इस विनिमय व्यवस्था में जो है हवाला बाजार पर अंकुश लगाने के लिए जो है दो एक्ट पूर्व में जो है हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ, इसीलिए यहां पर अलग से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। फेरा और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये जो है 73 ईस्वी में और ये जो है 1999 ईस्वी में जो है ये पारित किया गया। इसमें कुछ नियम को लिबरल किया गया है, यानी कि विनिमय के संदर्भ में जो भी आरोप प्रत्यारोप की व्यवस्थाएं हैं या जो प्रक्रियाएं हैं उसको थोड़ा सा उदार किया गया है, ताकि देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, विदेशी निवेश और अर्थव्यवस्था की जो गतिशीलता है उसको दुष्प्रभावित होने से बचाया जा सके। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के माध्यम से इस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 को प्रतिस्थापित किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने विदेशी मुद्रा विनिमय यो मुद्रा बाजार से संबंधित कुछ जो है अवधारणाओं को इसमें जो है देखा, जिससे स्पष्ट होता है कि कुछ प्रचलित शब्दावलियां हैं जिसका क्या अर्थ निकलता है और उसके क्या मतलब और मायने होते हैं, इस चीज को हम लोगों ने देखा। जैसे इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रक्रिया और व्यवहार आधारित है, जिसका प्रैक्टिकली हम लोग जो देखते हैं और व्यवहार में वो चीजें होती हैं, इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी इन्हीं अवधारणाओं को इसी तरीके से आपको समझते रहना होगा। विशेष करके अगर कोई भी शब्दावली बोली जा रही है, कोई टर्म यूज किया जा रहा है, तो उसका मतलब जरूर समझ में आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपको सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से उस पर अगर ध्यान आकर्षण आप करते हैं, रखते हैं, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आपको वो अवधारणाएं स्पष्ट होंगी और धीरे धीरे आपकी जो है अवधारणाएं समृद्ध होती जाएंगी, अन्य उससे जुड़ी हुई अवधारणाएं समझ में आएंगी, जिससे परीक्षा में उससे जुड़े हुए जो है प्रश्नों को हल करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो अवधारणा का तात्पर्य यही होता है कि सबसे पहले हम उसके आशय और मतलब को समझें, फिर उससे जुड़ी हुई विशेषताओं को समझें, उसका महत्व समझें, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसका जो है उल्लेख करते हुए उस समस्या को जो है समाप्त करने के लिए अपने विचार अवश्य दें। तो इस तरीके से उससे इंटरकनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और व्यक्ति को जो है वो अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। उसके बारे में जब भी कभी कुछ पूछा जाता है, चाहे वो मुख्य परीक्षा में हो या साक्षात्कार में हो या प्रारंभिक परीक्षा में भी इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आधारित पूछे जा रहे हैं, तो इससे वो जो है आपकी तैयारी वहां से हो जाती है। तो ये एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था जिसको हम इस भुगतान संतुलन के साथ जो है समझने का प्रयास किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और पुनः हम जो है अगले लेक्चर में कुछ नई और जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक आप अपना अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।